जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय सेना में 12वीं पास भर्ती। तो दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं भर्ती की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना में निकली बंपर भर्ती 12वीं पास, इन पदों के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो अब हम आपको पद दिखाते हैं और डेट दिखाते हैं, किस डेट से ये अप्लाई हो रहे हैं और कब तक इनकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। भारतीय सेना में अगर आप जाना चाहते हो तो लगे रहिए हमारे चैनल पर और अपनी बरकरार तैयारी करते रहिए, फिजिकल को फिटनेस दौड़ को बनाते रहिए और इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयार हो जाइए और चीन की जो आर्मी है उसे करिए तहस नहस। तो दोस्तों कैरियर डेक्स इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2020, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा ने सोल्जर डी फार्मा एंड सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख 22/9/2020 तक भर सकते हैं, यानी कि 22 सितंबर 2020 तक इस पर फॉर्म भर सकते हैं। नोट, रैली में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका आवेदन 22 सितंबर 2020 तक सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जो अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा देंगे, ऑनलाइन करा देंगे, वही भर्ती में लिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखें। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जो तारीख थी वो 8 अगस्त थी और अंतिम जो तारीख है इसकी 22 सितंबर है। दोस्तों ये देख लो, अंतिम ऑनलाइन आवेदन बंद होने की जो तारीख है 22 सितंबर है दोस्तों। तो अब इसको जल्दी से फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी पदों में विवरण, क्या क्या पद हैं इसमें। तो दोस्तों पद देख लेते हैं, सोल्जर डी फार्मा आर्मी मेडिकल कोर्स, सोल्जर डी फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी। तो दोस्तों ये हैं इसमें कुछ पद हैं जो आपको मिलेंगे। दोस्तों अब आप बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए और क्या क्या आपको मापदंड चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो COD फार्मा आर्मी मेडिकल कोर्स या सोल्जर फार्मा के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं या इसके समक्ष परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश विषयों के साथ डी फार्मा या बी फार्मा कम से कम 50% अंकों के पास होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वही डी फार्मा या बी फार्मा स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको जो बी फार्मा और डी फार्मा है वो इनके द्वारा इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए, कोई फर्जी नहीं होना चाहिए। बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के पद पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 10+2 12वीं इंटर की परीक्षा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश विषयों के साथ कम से कम 50% अंक से और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंकों के साथ पास होना ज़रूरी है। दोस्तों तो ये आपका हैगा मापदंड। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो सोल्जर डी फार्मा पद पर आवेदन करना चाहते हैं उनका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के पदों पर
पदवा आवेदन करना चाहते हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है अलग अलग पदों के लिए। अब बात कर लें शारीरिक माप, तो इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 किलो और चेस्ट 77 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब बात करें नॉट आरक्षित क्लास के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार हाइट वेट और चेस्ट की माप से ढील प्रदान की जाएगी, जो इनके योग्य होते हैं छूट वाले उनको पूरी तरह से छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें, तो रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के केवल ऑनलाइन मोड से किए गए आवेदन की स्वीकार किए जाएंगे। तो आवेदन जो करोगे आप वो ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। अब बात करें चयन प्रक्रिया, पात्र और योग्य अभ्यर्थी का चयन फिजिक्स टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया है अभ्यर्थी का फिजिक्स टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस लिंक्स, तो अभ्यर्थी से इम्पोर्टेंट लिंक है कुछ। अभ्यर्थी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। तो दोस्तों ये वेबसाइट के बारे में दिया है, तो इनकी वेबसाइट हमने आपको एक वीडियो में बता दी थी, तो आप इसके लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और वहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आर्मी में ये नई भर्ती और सबसे बड़ी भर्ती आई है, तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और आर्मी को बढ़ाइए ताकि चाइना से लड़ें और चाइना को भगाएं, चाइना से जीत हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक भर्ती के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड बाय और जय इंडियन आर्मी।